देश और दुनिया के प्रसिद्ध संत श्री श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन का प्राचीन काल का वैभव लौट आया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है और जब दिल स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर अच्छा रहता है। देखिए खास रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने की सीएम मोहन की तारीफ। श्री श्री रविशंकर बोले, मोहन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन का वैभव लौट आया। सीएम मोहन यादव ने श्री श्री रविशंकर से लिया आशीर्वाद। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान का मोहन ने लिया जायजा। बेंगलुरु में निवेशकों से बातचीत के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को वहां आर्ट ऑफ लिविंग के सत्संग में सम्मिलित हुए। यहां आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर का भ्रमण करते हुए गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ गौशाला का अवलोकन किया। इसी के साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे मध्य प्रदेश के बच्चों की कुशल क्षेम जानी। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि डॉक्टर यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन का प्राचीन काल का वैभव लौट आया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है और जब दिल स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर अच्छा रहता है। घंटा नाद हो रहे बस शंख नाद। हाँ, उज्जैन एक ऐसा नगर है जहाँ से काल का नाद भी शुरू का विक्रम संवत जो हम मानते हैं भारत में दो, एक तो शालीवाहन शक और एक विक्रम शक। अब विक्रम शक जो है संवत्सर वो उज्जैन से निकला है। ऐसे महाकाल के क्षेत्र से पधारे हमारे प्रिय मोहन जी, मोहन यादव जी, महाकाल के आशीर्वाद लेके आए हैं। अभी हम गए थे दो साल पहले, क्या उस नगरी की क्या एक चेहरा ही बदल गया, माहौल ही बदल गया, इतना सुंदर इतना वैभवपूर्ण हो गया। कभी लोगों को ऐसा लगता था अरे हमारे ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है, इतने यात्री आते हैं, इतना सब कुंभ भी होता है वहाँ, मगर अब देखोगे तो वो बात ही अलग है। अब वहाँ का ऐसा एक नगरी उतरी है जो हम हमारे इतिहास में पढ़ते थे, उज्जैन नगर में ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। भारत के एक एक शिशु एक एक बच्चा उज्जैन के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भारत का इतिहास को जानना चाहिए। बीच में कुछ साल वो सब हटा दी गई, फिर हम सिर्फ अंग्रेजों की राष्ट्र और उनकी जो हुकूमत की वही बातें हम सुनते आए। अब हम वो भी अब जानने लग गए हैं अभी हमारे देश में हमारा कितना भव्य इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में कई देश हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर कोई किसी को लूटना चाहता है तो कोई दबाना चाहता है। दुनिया में हमारी ही संस्कृति है जो हमें विश्व गुरु बनने की ओर ले जाती है। जीवन में कभी अवसाद आ जाए और गुरु जी को याद कर लो तो कष्ट चला जाता है, ऐसी कला गुरु जी सिखाते हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं और खासकर उज्जैन से। हमारी सरकार ने कुछ निर्णय भी किए, जैसे अभी हमारे विश्वविद्यालय में गुरु जी वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति करके बोले जाते थे। हमने कहा हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए मैं एक बार शिक्षा मंत्री था इस मुख्यमंत्री बनने के पहले इंदौर गया। इंदौर में हमारी प्रोफेसर रेणु जैन कुलपति है, संयोग से उनके पति आए
और उनने बड़े विनोद में मेरे से कहा कि आप मेरे को पहचानते हो? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। बोले आप शिक्षा मंत्री हो, ये आपकी कुलपति है, मैं कुलपति का पति हूँ। मुझे बड़ा खराब लगा एकदम से, ऐसा लगा कि ये क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उस समय मैं शिक्षा मंत्री था। गुरुजी जैसे ही शिक्षा मंत्री के बाद अभी मुख्यमंत्री बना, पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि कुलपति अब सब पद समाप्त करेंगे। हमारे गुरु परंपरा तो कुल गुरु करके हमने नाम रखवा दिया, आगे से सभी वाइस चांसलर कुल गुरु करके उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि गुरु कहते ही हम सब जानते हैं कि गुरु का अर्थ ही है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शख्स का नाम गुरु है। ये जीवन में सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से बातचीत के दौरान प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा गौ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बेंगलुरु।